बोले सबको बोले ओके तमन्ना जी सबसे पहले तो हैप्पी चिल्ड्रेंस डे सर आपको भी हैप्पी चिल्ड्रेंस डे थैंक यू यू नो चिल्ड्रेंस डे के मौके पर आपने बच्चों के साथ में आपने अपना टाइम निकाला बहुत बड़ी बात है और हमने देखा कि ढेर सारी एक्टिविटीज आप बहुत ही ध्यान से देख रही थी तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का पहले तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड जितना जितना मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ वक्त बिता रही हूँ मैं मीडिया सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने भी अपना वक्त निकाला है आज और आप यहाँ पर आए हैं और फॉर मी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे बिकॉज वो स्ट्रेंथ अब सब में है जो भी जब हम इंसान के रूप में जन्मे हैं हमें वो स्ट्रेंथ है एंड हमें भी कितनी बार लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हम वो नहीं कर सकते तो अगर हम हमारे दिमाग में होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हमें नहीं हम इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते हम ये अचीव नहीं कर सकते बट ये बच्चों को देख के लगता है कि सो दे आर यू नो डेफ एंड म्यूट एंड वी आर एट संस्कार धाम एंड लता जी जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं ये स्कूल की ये अकेडमी की इन्होंने इन बच्चों को इतना बढ़िया ट्रेन किया है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें अच्छा खाना मिलता है उनकी परवरिश किसी भी बच्चे जैसी की जा रही है विच इज़ सो इंस्पायरिंग और यहाँ पर जो मैं सबसे अच्छी बात देख रही हूँ कि हर एक बच्चे के अंदर एक वो एक एंथुजियाज़म है जो बहुत ही ज़रूरी होता है हम सभी इंसानों में ये बहुत ही ज़रूरी होता है सो आई फील लाइक मैं लता जी और संस्कार धाम को यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके इन बच्चों के साथ वक्त बिता सकूँ और वो सभी इतने प्यारे हैं इतने टैलेंटेड हैं एंड आई एम एंड लता मैम वाज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि सब वो सभी को हर किसी न किसी एक्टिविटी में डालती हैं उनका उनकी पूरी पढ़ाई की जाती है उन्हें जॉब्स मिलते हैं उनकी शादियां होती हैं सो आई फील लाइक दैट इज़ आई थिंक इट्स अ रियली रियली इट्स अ रियली बिग थिंग एंड आई ऑल्सो फील लाइक आई वॉन्ट टू बी देयर वेन एवर आई कैन यू नो विद दीज किड्स एंड फॉर मी लेट्स ऑल हेल्प इज समथिंग दैट प्रेमल गॉट मी इंट्रोड्यूस टू and I feel I really want to thank you for bringing this to me because Let's All Help was something I think I was searching for the longest time hum jab koi bhi jagah pe hamare agar zehen mein ye baat hoti hai ki hame kabhi bhi kisi jagah ko ya kisi person ko kuch bhi donate karna hai ya kuch dena hai to hamare man mein ye shanka hamesha rehti hai ki kya jo hum dena chahte hain वो पूरी तरह से उस जिसको ज़रूरत है उसको पहुंच रहा है कि नहीं तो ये शंका मुझ में आई थिंक हम सब में जब हम कभी भी एक डोनेशन बनाने की कोशिश करते हैं ये शंका रहती है और कभी कभी इसी वजह से हम नहीं करते काफ़ी जगहों पर हम डोनेट नहीं करते या करते करते रुक जाते हैं सो आई फील लाइक ये बात मैंने अपने टीम से बार बार डिस्कस की थी कि हमें कुछ करना चाहिए लेकिन क्या करेंगे कैसे करेंगे किस माध्यम से करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आ रहा था जब मैं प्रेमल सर से मिली तो मुझे ही गेव मी द आइडिया ऑफ लेट्स ऑल हेल्प विच इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन पोर्टल जिसपे अगर आप जो भी डोनेट करते हैं 100% जिसको ज़रूरत है उसी के पास जाता है एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली सोशल कॉज बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल एंड normally there are other websites that you know who are giving such kind of donations but yahan par jo alag baat hai ki ye 100% transparent hai to agar 10 rupya ya 100 rupya aapne donate kiya to 10 ya 100 rupya puri tarah se aap jisko donate kare usi ko jata hai so aur main chahti thi ki ye hum aisa kuch kare jahan par transparency ho aur faith ho because एट दी एंड आप जब किसी की मदद करते हैं आप चाहते हैं कि उस इंसान को पहुँचे सो ये करना मुमकिन हुआ है सर की वजह से एंड आज लेट्स ऑल हेल्प की पूरी टीम है यहाँ पर एंड उन्होंने ये आज का दिन मुमकिन किया है मेरे लिए भी एंड और ये हमारी एक दरख्वास्त है जो भी आज देख रहे हैं मीडिया के द्वारा जो भी हमारा ये
हमारी ये बात सुन रहे हैं कि लेट्स ऑल हेल्प पे अगर आप जाके डोनेशन करना चाहते हैं, सो यू हैव टू गो टू लेट्स ऑल हेल्प डॉट ओ आर जी, एंड वहाँ उस पर एमिनिटीज़ हैं, जैसे बेसिक एमिनिटीज़, योर सैनिटेशन, फूड, उसके ऑप्शंस मिलते हैं, और आप अपने हिसाब से आप जो आपका आपका जो मन करे आप वो डोनेट कर सकते हैं. एंड एंड या आई मीन दिस इज़ वन प्लेस वेर वेर आई फील इट्स मेड मी फील वेरी गुड बींग अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट्स वॉट आर मोटो इज दैट वेन यू विल डू समथिंग दैट इट विल मेक यू फील रियली गुड. एंड सो या आई मीन दैट्स वॉट लेट्स ऑल हेल्प स्टैंड्स फॉर. एंड प्रेमल, डू यू वांट टू टॉक एंड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर? एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? कमला जी आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बच्चों के साथ में टाइम. यस, सो फर्स्टली वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म. एंड तमन्ना जी ने ज़्यादातर सब कुछ बता दिया है लेट्स ऑल हेल्प डॉट ओ आर जी के बारे में. मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वी एज अ टीम आर थ्रिल्ड एंड थैंकफुल कि तमन्ना आउट ऑफ अ बिजी स्केड्यूल हैज़ यू नो स्पेड द टाइम. शी वॉज एक्साइटेड कि वो बच्चों के साथ ये दिन जो है वो बिताना चाहती है, ताकि ये बच्चे भी यू नो दे कैन हैव दे कैन फील जॉय, हैप्पीनेस. एंड हम लोग यही चाहते हैं कि एवरीबडी इन द कंट्री शुड यू नो हैव द बेसिक फूड गिवन टू देम, बेसिक नेसेसिटीज एंड बेसिक हाइजीन should be provided to them, and for which Tamanna ji is I very proudly call her our change maker and chief social activist. So thank you very much Tamanna, we are proud and thrilled that you've taken this up as a social initiative, and you are very very enthusiastic about the whole project. So I urge everyone to get on to letsallhelp.org and do their bit. यू नो एक बात रही है जो शायद मैंने आज तक मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, बट जब भी मुझे कुछ सोशली रिलेटेड काम करना था मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की. लेकिन आज आई थिंक ऐसा वक्त आ गया है कि जब तक हम जो कर रहे हैं अगर हम वो अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करें तो आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट, बिकॉज एट दी एंड एक इंसान का चेंज करना, कुछ बदलाव लाना अच्छा है, बट हम जितने सब साथ में जुड़ जाते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो मल्टीफोल्ड होता है. सो आई रियली होप एंड विश कि लोग लेट्स ऑल हेल्प पे जाएं और अपने मन से जितना भी वो डोनेट करना चाहें करें, बिकॉज ये इट विल गो टू ऑर्फनेजेस, इट विल गो टू ओल्ड एज होम्स, इट विल गो टू द स्पेशली एबल्ड, इट विल गो टू कैंसर पेशेंट्स, इट विल गो टू एड्स पेशेंट्स, इट विल गो एच आई वी अफेक्टेड पेशेंट्स. सो ये इतने क्रॉसिंग एंड दीज आर ऑल वेरीफाइड प्लेसेस, प्रॉपर प्लेसेस दैट दिस मनी विल बी गोइंग टू, एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, एम आई राइट? एब्सोल्युटली. फ्रॉम द वेबसाइट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन योर डोनेशन इज मेड. सो या आई मीन वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ताकि जो भी इस वेबसाइट पे जाए उसे वो सेटिस्फैक्शन मिले कि जो वो करना चाहते हैं वो अचीव कर पा रहे हैं. मैम कजनों का मतलब हमने देखा कि बच्चों के साथ में आपने ढेर सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, लाइक उन्होंने डांस किया तो उसमें भी उनकी एक थीम थी, मार्शल आर्ट कर रहे थे तो वहाँ भी उनकी एक थीम थी. कितना इन्जॉय किया आपने बच्चों के साथ? आई हैव टू से लता मैम ने जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने पूरी जगह बनाई है, उन्होंने सच्ची में इन बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है. मार्शल आर्ट्स हो, डांस हो, यू नो आई सॉ किड्स डूइंग योगा, जो शायद आप और हम जितनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, जितनी स्किल्स शायद हमें नहीं आते, शायद इन बच्चों को आते हैं. सो आज ये देख के बहुत खुशी हुई, और ऐसा लगता है कि जो लिमिटेशंस होते हैं ना हमारे दिमाग में होते हैं और कहीं नहीं होते, एंड दैट इज़ अ बिग जो आज शायद मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ कि अगर कोई भी लिमिटेशन है हमारे लाइफ में तो वो हमारे दिमाग में, एंड ये मुझे लता मैम से सीखने मिला है. एंड आई थिंक जब मैं ये भूल जाऊँगी शायद मैं फिर से यहाँ पर आऊँगी. थैंक यू. थैंक यू.